प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज फिर विरोधियों पर कड़ा प्रहार किया। अहमदनगर की चुनावी रैली में पीएम ने कहा कि अलग कश्मीर मांगने वालों के साथ कांग्रेस एनसीपी खड़ी हुई। पीएम मोदी का कांग्रेस पर बड़ा हमला, कहा पाकिस्तान को प्यार करने वाली या जवाब देने वाली सरकार चाहिए। अहमदनगर में पीएम बोले, अलग कश्मीर मांगने वालों के साथ कांग्रेस एनसीपी। आज पीएम मोदी ने कहा, कांग्रेस एनसीपी की सरकार थी तो देश घाव झेलता था। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि चौकीदार की सरकार घर में घुसकर आतंकियों को मारने की इजाजत देती है। मोदी ने कहा, ईमानदार चौकीदार चाहिए या भ्रष्टाचारी नामदार। पीएम ने कहा, जनता का नारा कांग्रेस को हमेशा के लिए हटाओ। 2019 लोकसभा चुनाव के लिए धुआंधार रैली में जुटे पीएम मोदी ने आज महाराष्ट्र के अहमदनगर में कांग्रेस पर बड़ा हमला किया। पीएम ने लोगों से कहा कि आपको ईमानदार चौकीदार चाहिए या भ्रष्ट नामदार। उन्होंने कहा कि आज एक तरफ कांग्रेस एनसीपी की महामिलावट के खोखले वादे हैं और दूसरी तरफ एनडीए के बुलंद इरादे हैं। कांग्रेस एनसीपी पर पीएम मोदी ने वार करते हुए कहा कि उनकी सरकार में कभी मुंबई में धमाके होते थे, कभी पुणे में, कभी ट्रेन में धमाके होते थे, लेकिन पिछले 5 साल में ये बम धमाके बंद हो गए हैं। तो आपको तय करना है कि अब देश में ईमानदार चौकीदार चलेंगे या भ्रष्टाचारी नामदार। साथियों, एक तरफ कांग्रेस और एनसीपी की महामिलावट की खोखले वादे और दूसरी तरफ एनडीए की महायुति के बुलंद इरादे, पर अगर आप नजर डालेंगे तो आपको तय करने में और आसानी हो जाएगी। कांग्रेस एनसीपी ऐसे लोगों के साथ खड़े हैं जो कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर को भारत से अलग कर देंगे। मुझे कांग्रेस के लोगों से कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि ये पाप उन्हीं की पैदावार है। लेकिन मुझे समझ नहीं आता है कि शरद राव पवार को क्या हो गया है।